हाँ जी, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, इधर इधर सीएससी तक आ गया। अच्छा, मैं रब करने लगा था। देखो पहला स्टेप, SN1 में दो स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में ना ये आयनाइज हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है, और जब जब भी बॉन्ड टूटता है तो स्लो होता है, ठीक है, समझ आया। और ये जो एनर्जी लेता है तोड़ने के लिए, वो एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन होती है। जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वहां से एनर्जी डिसॉल्व करते हुए एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी से ये टूट जाता है, क्या बन जाएगा। और आप लोगों को ना इतना पता होना चाहिए कि कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री sp2 होती है। तीन बॉन्ड है ना, तीन बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड सिग्मा, तीन बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। इधर क्या है, सीएल नेगेटिव। अब सेकंड स्टेप ना ध्यान से समझना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो मॉलिक्यूल हो जाएगा प्लेनर, एक प्लेन पे, ऐसे सिंगल प्लेन पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी, ठीक है। तो जो OH नेगेटिव है वो इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से, समझा। तो CCH3 OH CH3 CH3 और C दिख रहा है इधर, CH3 इधर OH, तो इसमें 50% रिटेंशन हुई, 50% इनवर्जन। तो इसमें होती है रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन मतलब कि रेसमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है, और कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर एक्टिव होता तो, हल इसमें तो ये कायरल ही नहीं है, ठीक है, अगर ये कायरल होता तभी ये एक्टिव होता, ठीक है। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ भी ले लूँ, कुछ और ले लूँ, ठीक है, CH2 की जगह ऐसे ले लूँ, ड्यूट्रियम ले लूँ, CD3, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, समझ गए। एच की लगा डी ले लिया तो अलग हो जाएगा ना वो, समझ आ रहा है बच्चे। ये अगर मैं ऐसे कर लू, यहाँ पे सीएल है, यहाँ C2H5 लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CD3 लगा दिया, ड्यूट्रियम लगा दिया, अब तो ये अलग हो गया, अब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहेगा ड्यूरिंग SN1 वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ रेसिमाइजेशन, ठीक है, आया समझ। रेसिमाइजेशन क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ प्लस डी एंड अल्फोन, इक्विमोलर मिक्सचर। देखो 50% चांसेस है ना, 50% चांसेस इधर से अटैक होगा, 50% चांसेस इधर से अटैक होगा, तो 50% इन्वर्जन होगी, 50% रिटेंशन, ठीक है, आया समझ। ऑप्टिकल रोटेशन कैंसिल हो जाएगी, ये किसी और डायरेक्शन में रोटेट करवाएगी, किसी ऑपोजिट डायरेक्शन, और इनकी कंसंट्रेशन सेम है, तो ऑप्टिकल रोटेशन कैंसिल, समझ आया। तो रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली क्या होता है, ठीक है, ये लिख लो जल्दी। हाँ जी, तो कल हमने क्या किया था, मैं नया लेक्चर नहीं शुरू कर रहा, कल हमने एक्चुअल में क्या किया था, कल हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखा था, हेलो बाय हैलोजन सर लेस रिएक्टिव देन हैलोजेंस, 5 रीजन थे, मैंने बोला था जाके पढ़ लेना, वो भी नहीं पढ़े, पढ़ लेना, ठीक है, उनको डिटेल में कर लेना, क्वेश्चन आते हैं, पहली रिएक्शन लिखो डॉल प्लस, लेकिन अगर कमर एक्टिव है तो क्या होगा, है ना, रिएक्टिव तो है, हम तो इनर्ट गैसेस को भी रिएक्ट करवा देते हैं ना, तो ये कम रिएक्टिव है, तो रिएक्ट कर सकते हैं अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन मतलब बहुत एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर भी ज्यादा, प्रेशर क्यों कम करना, क्लोरोबेंजीन इसमें ऐड करना है, NaOH क्या ऐड करना है, क्या करते हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी बताऊंगा बाद में, ठीक, ऊपर ले जाएगा वो NA, यहाँ ये कैसे हुआ ये आपको अभी बताऊंगा बोर्ड साफ करके बाद में, ठीक है, रिपीट करूंगा, क्लियर। फिर इसमें जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है, आप लोगों ने रिमन डायमंड रिएक्शन की, कोल रिएक्शन की, उसमें भी ऐसी बनता है CONA, पता नहीं यार कोई नहीं, ठीक है, तो उसमें भी आप लास्ट में यही करते हो, तो जब भी कभी ऐसा हो तो यही करना होता है, सॉल्यूशन करनी होती है, ठीक है।
या एच क्यू पॉजिटिव भी लिख सकते हो, है ना, वही चीज होगी। यहाँ क्या आ जाएगा, ओ एच माइनस एनर्जी। ये समझ आया कि आपको, ये यहाँ से नहीं समझ आया होगा वो मैं दोबारा क्लियर कर दूँ, ठीक है। दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनता है, ठीक है। और कोई मेथड बताया क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने का? केओ चेक कुछ डाल के वो एच न्यू वो तो है, कुछ नहीं होना, हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखो कोई रिएक्शन है ही नहीं अपने पास, क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने की कोई रिएक्शन नहीं है, यही रिएक्शन है। रिएक्शन है लेकिन ये भी तो है और भी है, एक आती और फिनोल की प्रिपरेशन में है ना, क्यूमीन से बनता है, उससे डाइजोनियम से बनता है, ग्रिगनार्ड से बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनता है, रैसी प्रोसेस से बनता है, सात रिएक्शन है टोटल, ठीक है सर। ये सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन का रोड मैप बन जाएगा, सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन है का रोड मैप क्या बन जाएगा, रोड मैप का बनाना है, बनाना आपने बनाया, बनाना मैं आगे बनाना, प्रैक्टिस करोगे दिमाग में चल जाएगी। ये आप असाइनमेंट करोगे ना, असाइनमेंट करने अगर कर ली आपने, ठीक है, अगर पूरी असाइनमेंट कर ली आपको खुद पता लग जाएगा आपका लेवल अप हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा पैर हवा में आ जाएंगे आपके, देखेंगे आपको एयर में लगोगे आप हवा में, कर दो ना वो, तू तो नहीं उड़ता बाकी पावे उड़ जा, वेरी गुड चार्ज इन्हें, बहुत अच्छे इन्हें, इधर देखो ये बता क्या लिखे, बात उड़ गया ये देख, NaOH को ब्रेक करना है, NaOH NaOH ये क्या बन गया माइनस एच टू, ये क्या बन गया और ये ओ एन ए ऊपर, यही सब समझना था आपने, दूसरा सब तो समझ आ ही गया था ना, आगे ये सब भी समझ देखो आ गया पीछे, हाँ जी सर नहीं आ गया, पहले ये हुआ नीचे आ गया, डॉस वर्सेस चले आगे, इसमें ना ज्यादा रिएक्शन नहीं है, दो तीन ही है बस, खत्म हमारा चैप्टर, कर दो ना और फिर इसके बाद रिएक्शन है सी यू सी एन के साथ, लिखो रिएक्शन विद सी यू सी एन, और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, इसका एक क्वेश्चन भी था वो समझ नहीं आया एनसीईआरटी में, एक मिनट अभी डिस्कस करते हैं। ये बन गया, इधर देखो ये बन गया, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है ना, इससे आप क्या क्या नहीं बना सकते, कोई ऐसा चीज बोलो जो नहीं बना सकते, सब कुछ बना सकते हो आप लोगों के साथ, प्रोपेन बनाना वो भी बन जाएगा, मीथेन भी बन जाएगा, देखो इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करो फिनोल भी बन जाएगा, फिनोल इसकी ऑक्सीडेशन कर दो कार्बोक्सिलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन करके, पहले बेंजीन बना लो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, फिर फिनोल बना ऑल माय डीसीएच क्या है ना ऑल इन वन, हाँ वेरी गुड, तेरे पास गेम थी ना वो कैसेट वाली 52 इन वन, वेरी गुड। ये देखो इसमें जब सिंगल एच टू ऐड होता है, इसकी ना तीन रिएक्शन है, मैं बहुत बार करा चुका हूँ, रिपीट कर दूँ, मैकेनिज्म भी कराया हुआ है, अभी मैकेनिज्म नहीं करेंगे। एच सी एल जब कंसनट्रेटेड होता है तो तब दो बॉन्ड ये वाले टूट जाते हैं, एक रह जाता है, एच इधर आ जाते हैं, डबल बॉन्ड हो इधर अमाइड बन जाता है, इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसको जब जब तक लिखोगे, लिख के नहीं करोगे तब तक होना नहीं है। अब 2H2 ऐड कर दो, वाटर ज्यादा है इसका मतलब एसिड डिल्यूट होगा, चलो तीनों बॉन्ड तोड़ दो COOH, वाटर से यहाँ क्या आया, दो O दो एक H बचा गया 3H NH, मैकेनिज्म इसका कराया हुआ है, कॉपी जो होगा, ठीक है आगे समझ। एक रिएक्शन और है रिडक्शन, रिडक्शन में क्या करते हैं, चार नेशन हाइड्रोजन ऐड करते हैं, दो एच इधर लग जाते हैं, दो इधर,
बेंजाइलमीन बन जाता है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये कर लो नोट जल्दी जल्दी करो फास्ट। राइट डाउन नेक्स्ट रेशम विद मैं इधर देखेंगे सी एस थ्री सी एल इन द ब्रांच ऑफ इथर क्या बन जाएगा दो सोडियम टू एन ए सी एल वायर टॉली बन जाएगा वुड्स जैसे वुड्स रिएक्शन होती है समझ नहीं आई रिएक्शन समझ नहीं आई मतलब ऐसे है ऐसे कराऊं से जा के अभी से एक तो नहीं आई आगे भी जाएगा पहले भी आ गई अब आगे वेरी गुड ये नीचे वाला रब कर रहा हूँ मैं ठीक है टाइम कम है अपने पास टाइम भी कम है जगह भी कम है अब देखो इसमें एक एल्काइल ग्रुप है एक अराइल ग्रुप है जब एक एल्काइल ग्रुप एक अराइल ग्रुप हो तब क्या बोलते हैं अगर दोनों एल्काइल हो तो वुड्स रिएक्शन अगर एक एल्काइल एक अराइल हो तो वुड्स फिटिंग फिटिंग नहीं होता जी सीधा आ जाएगा ठीक है और अगर दोनों अराइल हुए तो इथर क्या बन गया बाई इसको बोलते हैं डाइफिनाइल ठीक है इसे बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन क्या बोलते हैं एक इधर सुनो इधर देखो यही सेम रिएक्शन अगर मैं आयोडीन के साथ करूं कॉपर लेके अगेन इन द ब्रांच ऑफ इथर सेम प्रोडक्ट बना CU2, I2, ठीक है सेम डाइफिनाइल बना इसको बोलते हैं उल्मेन रिएक्शन ठीक है वेरी गुड चलो इसके साथ आपका चैप्टर खत्म ओके थैंक यू।